तुम कौन हो? बताओ कौन हो तुम? तुम कौन हो? बताओ कौन हो तुम? पंडित जी, ये हमारे नए साथी भगत सिंह हैं। भगत? ये चंद्रशेखर आजाद। तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए था भगत सिंह, जान भी जा सकती थी। पार्टी का असूल है किसी अजनबी को अपना नाम ना बताएं। बिस्मिल जी से तुम्हारी तारीफ सुनी थी, आज देख लिया। पंडित जी, अखबार में जो कुछ भी छपा है क्या वो सच है? क्या सबके सब पकड़े गए? हाँ, सब खत्म हो गया। सालों साल की मेहनत, जमाया जमाया ग्रुप, सब एक झटके में खत्म हो गया। अब तो उम्र कैद के दौर चलेंगे, फांसियां होंगी। अभी बहुत कुछ करना बाकी था, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ पंडित जी। शरीर कैद किया जा सकता है, विचार नहीं। दुश्मन आदमी को मार सकता है, उसके आदर्शों को नहीं। और जब तक आदर्श जिंदा है, पार्टी जिंदा है। हम उस आदर्श को अपने खून से सींचेंगे पंडित जी। हमारी पार्टी का मकसद है इनकलाब, और हम उस इनकलाब को आवाम तक ले जाएंगे, चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े। लड़कों ने कमाल कर दिया, अब तो देश का हर बच्चा अपने घर में बम बनाएगा। पंडित जी, पहले तो भगत और सुखदेव और साथियों का अलग अलग जेलों में रखा गया था ना, अब तो सुना है कि सभी को एक ही जेल में ले आए हैं। अंग्रेजों का बुरा वक्त आ गया है रे। भैंस पानी में गई रे। तो वायसराय के नए कानून के मुताबिक अभियुक्त के गैर हाजिरी में भी उन पर मुकदमा चल सकता है। बिल्कुल, इस तरह जो फैसला उन्होंने कर रखा है उस पर अमल भी कर लेंगे। और इस फैसले के खिलाफ कोई अपील भी नहीं हो सकती। इस ऑर्डिनेंस में तो कोई गुंजाइश नहीं। तो अब अंग्रेज सरकार दिन दहाड़े कत्ल करेगी। तो भगत ने यही तो कहा था पंडित जी, किस मुकदमे के जरिए वो सरकार का पर्दाफाश कर देगा, उसे नंगा करके उसकी असलियत जनता के सामने ले आएगा। और ऐसा उसने कर दिखाया, इसीलिए तो उसी की जान के पीछे पड़े हैं। हम भगत को नहीं खो सकते, हम भगत को नहीं खोएंगे, हम उसे बाहर ले आएंगे। भगवती वीरभद्र जी, पांडे जी, भगत को खबर करो वो तैयार रहे, हम उसे अदालत जाते समय ही छुड़ा लेंगे। उसे जो करना था उसने कर दिया।